आदि पुरुष नहीं, ऐसा लगता है कि ओम राउत ने विवाद का जड़ बना दिया है। फिल्म के ट्रेलर से शुरू हुआ विवाद और ट्रोलिंग फिल्म रिलीज के बाद भी जारी है। और विवाद की बात हो और सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब रामचरित मानस से फुर्सत में आए स्वामी प्रसाद के निशाने पर आदि पुरुष के विरोध न करने वाले साधु संत आ गए हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट किया और आरोप लगाया है कि फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला और ओम राउत दोनों ही कथित ऊंची जात के हैं, इसलिए उन पर धर्म के ठेकेदार सवाल नहीं उठा रहे। स्वामी ने ट्वीट करके लिखा, आदि पुरुष फिल्म में रामायण के सभी पात्र यथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रकांड महारथी व विद्वान रावण, आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण एवं आज्ञाकारी भक्त सेवक व राजदूत हनुमान के माध्यम से मनोज मुंतशिर एवं ओम राउत ने जिस तरीके से अमर्यादित अस्तरहीन गुंडे मवाली और टपोरियों की भाषा बोलकर इन दोनों कलाकारों ने उपहास उड़ाया है, मर्यादा गिराई है, क्या इससे हिंदू धर्म के ठेकेदारों व सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ? यदि हुआ तो आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु संत व धर्म के ठेकेदार किस चूहे के बिल में घुस गए हैं, जो कल तक मेरी हत्या करने, धड़ से सिर अलग करने, तलवार से सिर काटने, जीभ काटने, नाक व हाथ काटने के लिए उतावले हो गए थे, उनकी बोलती आज बंद क्यों हो गई है? इसलिए न कि मनोज मुंतशिर और ओम राउत ऊंची जात के हैं। मैंने तो किसी धर्म आराध्य पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि हमने तो मानस के मात्र उन चौपाइयों के अंश को संशोधित व प्रतिबंधित करने की मांग की थी, जिसमें तुलसीदास जातीय कुंठा से ग्रसित होकर शूद्र वर्ण से आने वाली जातियों को व देश की समस्त महिलाओं को मारने पीटने, प्रताड़ित करने, नीच व अधम कहने, नीच से भी नीचे करार करने तथा अपमानित करने की बात कही थी, से मुक्ति दिलाकर उनके सम्मान का रास्ता प्रशस्त करने की बात कही थी। ये तो रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट की। वहीं फिल्म के विवाद की बात करें तो इसके लेखक मनोज मुंतशिर ने कहा है कि डायलॉग में बदलाव किया जाएगा। जी जी, तो जी इसको सम्मान करते हुए कुछ आप इसमें बदलाव करने वाले हैं? बिल्कुल, 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूँ 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा, मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूँ, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूँ फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें, कभी कभी संभव नहीं होता। लेकिन मैं इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे डायरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि जो पिक्चर लगभग 10,000 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हो, अब उसमें कुछ संवाद बदले जाएं, ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता। वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है, और इसीलिए हम वो डायलॉग्स बदल रहे हैं। बहुत जल्द मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2-3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। कुल मिलाकर आदि पुरुष पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी राजनीति शुरू कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।